गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टॉपिक बियरिंग्स डिजाइन ऑन प्रोबेबिलिटी अदर देन 90%। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और आज न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पेज 134 में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एग्जांपल 15.17। इसमें एक गियर बॉक्स की पोजिशन दी हुई है, चारों गियर पे उनके रेडियल लोड, उनके एक्सियल लोड और परसेंटेज टाइम एक टेबल बना के, साथ ही साथ जो डाटा गिवन है दैट द ले शाफ्ट रोटेट्स एट 1750 आरपीएम, आपको आरपीएम मिला हुआ है जो है 1750। द स्टैटिक एंड डायनामिक कैपेसिटीज आर, ये दोनों वैल्यू मिली हुई है। स्टैटिक कैपेसिटी हम जानते हैं ये होता है सी नॉट, ये मिली हुई है 11600 न्यूटन, और आपको डायनामिक कैपेसिटी मिली हुई है 17600 न्यूटन। द बियरिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी इन यूज फॉर 4000 आवर्स, आवर्स में आपको एक लाइफ मिली हुई है जिस लाइफ में वो बियरिंग्स चलेंगे, दैट इज 4000। फाइंड आउट द रिलायबिलिटी विथ विच द लाइफ कुड बी एक्सपेक्टेड, अगर बियरिंग्स को इतने आवर्स चलाएंगे तो उस पर उसकी क्या रिलायबिलिटी निकल के आएगी, यही आपको पूछा हुआ है। और इसको निकालने के लिए आप जानते हैं कि आपके पास हमेशा एक इक्वेशन रहता है, आप अगर सबसे पहले पकड़े कि आपको क्या निकालना है तो आपके स्टेप्स अपने आप जम जाते हैं। तो ये आता है आपका L अपॉन L10 इक्वल्स टू 1 अपॉन R, 1 अपॉन R90, ये लॉग के टर्म्स में रहता है ना, रेस टू 1 अपॉन 1.17। यहां पर आपको R निकालना है और उससे करस्पॉन्डिंग आपको लाइफ आवर्स पे दिए, जिसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा MR में। R90 हमेशा 0.9 होता है, बस आपको L10 की वैल्यू चाहिए किसी इक्वेशन से। तो आप जानते हैं कि L10 एक और इक्वेशन से मिलता है जो कि होता है C, और साइक्लिक लोड केस में ये हो जाता है पी एल टेन रेज टू 1/3। तो यहां पर आपको ये जो डायनामिक कैपेसिटी ये मिला हुआ 17600, बस टेबल फॉर्म करके हमको इक्विवेलेंट लोड की अगर कंडीशन मिल जाए, ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमको एल टेन मिल जाएगा। इस एल टेन को हम यहाँ पुट अप करेंगे तो हमको ये आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस हिसाब से ये अब चलता है। तो मतलब पहला स्टेप आपका बनेगा टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट लोड। इसके लिए हमेशा हम एक टेबल को फॉर्म करते हैं जिसमें सबसे पहला आपका रहता है आइटम नंबर, है ना, या हम इसको अभी बोल सकते हैं गियर नंबर जो कि रहता है 4। इसके बाद हम लिखते हैं रेडियल लोड, तो ध्यान से देखेंगे कि रेडियल लोड जो दिया हुआ न्यूटन में वो है 4000, 2750 और 0। एक्सियल लोड 3250, 500, 50 एंड 0। और परसेंटेज टाइम है ये, जिसको हम हमेशा मिनट्स में लेते हैं, टाइम इन मिनट्स, और परसेंटेज को हम चेंज कर देते हैं डेसिमल में। तो ये 1%, 3% है, तो ये 0.01, 0.03, 0.21 और 0.75, इस तरीके से टाइम परसेंटेज हो जाएगा। इस टाइम को हम मल्टीप्लाई करते हैं स्पीड से, और क्योंकि आपको गियर बॉक्स में एक ही स्पीड दिया हुआ है 1750, तो हम कॉमन सब में रख लेंगे 1750, और इसी को हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई करके टाइम के साथ। तो आपको मिलते जाएगा 17.5, 52.5, नेक्स्ट है 367.5 एंड लास्ट 1312.5। और ये चारों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ टाइम भी आपका आएगा 1 मिनट, और यहाँ पर ये टोटल आएगा 1750। इसका मतलब हमारा आरपीएम वो इतना ही निकला, 1750 आरपीएम। तो इस चार्ट सबसे पहले आपको आरपीएम मिल जाएगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर, है ना, कि आपको अभी इस पूरी चीज से पी की वैल्यू निकालनी है, और पी का हम इक्वेशन देखे थे जिसमें आप अलग अलग पी वन, पी टू, पी थ्री, पी फोर, चार गियर है तो आपको चार अलग अलग लोड्स निकालने पड़ेंगे, और हर पी का एक इक्वेशन होता है एक्स एफ आर प्लस वाई एफ ए इंटू लोड फैक्टर, है ना। तो इसी चीज को हम फॉलो करते हुए, पर हमको ये पता करना है कि एक्स और वाई एफ फैक्टर चाहिए, क्योंकि आपके पास रेडियल लोड है, आपके पास एक्सियल लोड है। अगर दोनों लोड होता है तो एग्जैक्ट एक्स की और एग्जैक्ट वाई की वैल्यू आपको चाहिए रहेगी, और वो तभी मिल पाती है जब हमारे पास बेयरिंग का स्टैटिक कैपेसिटर है, जो कि इस केस में दिया हुआ है 11600। मतलब हम एक्स और वाई इंडिविजुअल हर गियर के लिए हम एग्जैक्ट एक्स और एग्जैक्ट वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग द वैल्यू ऑफ स्टैटिक कैपेसिटी सी नॉट। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट गियर से। यहां पर आप देख रहे होंगे मुझे हर गियर के लिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हर गियर पे रेडियल और एक्सियल लोड्स की वैल्यू अलग अलग है। इनका मतलब जो हम इसको एक्स और वाई के लिए फाइंड आउट करेंगे, ये भी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। तो गियर वन में आप सबसे पहले याद करिए कि जब भी हमको
निकालना रहता है x और y की वैल्यू, तो एक इक्वेशन हम लिखेंगे जो होता है P1 equals to x FR1 plus y FA1। इसको यूज करके आपका P1 निकल जाएगा। अब x और y के लिए आपको पता होना चाहिए FA1 by C0। सबसे पहले आप इसको निकालेंगे क्योंकि आपको E की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां कुछ एज्यूम आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास C0 है, तो C0 है तो एग्जैक्ट x और y निकलेगा बिना एज्यूम किए। तो FA1 by C0 आप करेंगे मतलब 3250 डिवाइड बाई 11600। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.28। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको स्टेबल से E की वैल्यू देखनी है ना। तो आप दिखेगा कि जो E की वैल्यू है ना, हम E की वैल्यू इंटरपोलेट कर अगर करेंगे तो हमारा प्रोसेस लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इंटरपोलेट नहीं करते, बस E का एक रेंज देख लेंगे। तो आपको दिखेगा कि E दो वैल्यू के बीच में लाइक कर रहा है। अगर इस 0.28 को देखेंगे है ना, तो ये 0.25 और 0.04 के बीच में उसके बीच में आप लाइक कर रहा है। तो अगर आप ये देखेंगे तो E विल लाइक बिटवीन 0.37 एंड 0.44। अब अगर इंटरपोलेट भी करेंगे तो आपका E का वैल्यू इसी के बीच में आएगा। इसको लेकिन कंपेयर करना है आपको FA1 अपॉन FR1 और इसकी वैल्यू आ रही है 0.8125। अब अगर इन दोनों को हम देखेंगे तो FA1 बाई FR1 आ रहा है 0.8 से भी ज्यादा है, और यहां पर जो आपकी E की वैल्यू आएगी 0.37 एंड 0.4, मतलब 0.3 और 0.4 के बीच में ही आ रही है। मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है अगर ये दोनों कंपेयर करें कि अगर आप इंटरपोलेट भी करते तो E की वैल्यू इसी बीच में आती, मतलब FA बाई FR1 इस हमेशा ग्रेटर देन आपको E ही मिल रहा है। और जब ये ग्रेटर देन E रहता है तो आपको X की वैल्यू आपको हमेशा मिलती है 0.56। अब की बार आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा, FA बाई C0 की वैल्यू ये रखेंगे और इसकी करस्पॉन्डिंग दोनों वैल्यूज रखेंगे, और जब इसको आप इंटरपोलेट करेंगे कैपिटल Y के लिए तो कैपिटल Y की वैल्यू निकल के आती है 1.176। और इसको सॉल्व करेंगे अगर आप X और Y को रखेंगे ये ऊपर वाले इक्वेशन में तो आपका P1 आता है 6062। मैं यहां लिख दे रहा हूं P1 इक्वल टू 6062 न्यूटन। इसी तरीके से हम जाएंगे सेकेंड गियर पे, फिर से FA2 बाई हम C0 करेंगे, तो ये है FA2 500 अपॉन C0 11600। इसको करेंगे तो ये आएगा 0.0431। इस पे भी हम E का रेंज निकाल लेंगे डाटा बुक से देख के पेज 15.6 से। FA2 बाई C0 ये है तो इसका E का वैल्यू लाई कर रहा है 0.24 टू 0.27। ये देखेंगे कि ये FA बाई C0 जिन वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, E भी उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के बीच में ही लाई करेगा, तो इसलिए मैंने एक रेंज लिख लिया है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये 0.2 के रेंज में ही कुछ आ रहा है। अब हमको चाहिए FA2 बाई FR2 मतलब 500 डिवाइड बाई 2750, ये आ रहा है 0.182। अब इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है कि E की वैल्यू आ सकती है या तो 0.25 या तो 0.26, अगर बीच की वैल्यू की बात करें मतलब 0.2 से ही ज्यादा है, और यहां पर आपको दिख रहा है ना ये बस सिर्फ 0.2 से कम है इसकी वैल्यू, मतलब 0.18 आ रही है। इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि ये लेस देन E है, कि FA2 बाई FR2 इज ऑलवेज लेस देन E। और जब लेस देन E हो जाता है तो हमको X और Y की दो ही वैल्यू मिलती है, X की मिलती है 1 और Y की मिलती है 0। और इसको अगर हम पुट करेंगे वही P2 का इक्वेशन बना के, डेट इज एक्स एफ आर टू प्लस वाई एफ ए टू करके हम डालेंगे, तो हमको P2 की वैल्यू भी मिल जाएगी सेम जो आपका यही है 2750 न्यूटन। इसी तरीके से हम आ जाते हैं थर्ड गियर पे। थर्ड गियर में फिर से हमको निकालना है FA3 by C0 मतलब 50 डिवाइड बाई 2750 है ना। तो आप देखेंगे कि एक जीरो और बढ़ जाएगा इसमें, ये आएगा 0.00431। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखेंगे तो देखेगा ये 0.025 से भी कम की वैल्यू है, मतलब जो E की वैल्यू है ना, ये आपको जो सबसे टॉप वाली E की वैल्यू है उससे भी कम मिलेगी। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि E विल बी 0.22 और लेस।
क्योंकि जब ये उससे भी कम मिल रहा है एफ ए बाई सी नॉट, तो ये उससे भी कम मिलेगा, है ना, इसलिए हम इंटरपोलेट नहीं करेंगे। अब हमको चाहिए एफ ए थ्री बाई एफ आर थ्री, मतलब 50 डिवाइड बाई 2750। इसको हम देखेंगे तो ये आ रहा है 0.0182। तो अब यहां पर इसको कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि e 0.222 से लेस है, मतलब या तो ये 0.20 हो सकता है, या ये 22 की वैल्यू है, ये 21 हो सकती है, 19 हो सकती है, 18 हो सकती है, 17 और 16 हो सकती है, पर ये डेसिमल के बाद एक जीरो भी लगा हुआ है, मतलब ये हमेशा आपको लेस देन e दिखेगा। और फिर से जब लेस देन e रहता है तो x इक्वल टू 1 रहता है और y इक्वल टू 0 रहता है, मतलब आपका जो P3 का वैल्यू है ये भी आपका 2750 न्यूटन ही आएगा। अब फाइनली बच जाता है P4, लेकिन P4 में रेडियल और एक्सियल लोड दोनों ही जीरो है, मतलब P4 की वैल्यू आपको बन जाएगी जीरो। अब आपके पास चारों इंडिविजुअल गियर्स पे लोडिंग कंडीशन है और चारों गियर्स में आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है, ये N1, ये N2, N3, N4, और इनको एक जो हम क्यूब रूट वाले इक्वेशन में क्यूबिक मीन लोड के इक्वेशन अगर हम डालेंगे तो हमको फाइनल जो PE की वैल्यू है ये निकल के आएगी 1932.67। तो ये हमारा यहाँ पर पहला स्टेप हम खत्म कर देते हैं, जहां पर हमको मिल गया है PE की वैल्यू। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ इक्वेशन लिख के रखा था। सेकेंड स्टेप में हम निकालेंगे लाइफ फॉर 90% बेयरिंग्स L10 की वैल्यू। अब आपके पास C है 17600 और आपके पास P है, इन दोनों को डालेंगे अगर आप, तो ये L10 की वैल्यू MR में निकल के आ रही है 755.2। अब तीसरे स्टेप में हम रिलायबिलिटी R की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस L10 को आपको इस क्वेश्चन में रखना है, R की वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके लिए L को सबसे पहले जो आवर्स में दिया है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा MR में, तो ये MR में कन्वर्ट करने से आ रहा है 420 MR। तो L रखना है 420, L10 आपका हो गया 755.2, R90 हो गया 0.9, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप R की वैल्यू निकाल के देखेंगे तो ये परसेंटेज के टर्म्स में आ रही है 94.83%। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा जिसमें आपको रिलायबिलिटी निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक एग्जांपल और दिया हुआ है, इसमें जो गिवन डाटा है उसको देख लेंगे। ए सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग इज सब्जेक्टेड टू ए रेडियल लोड ऑफ, अब की बार आपको रेडियल लोड जो दिया हुआ है वो है 1800 न्यूटन, मतलब इसमें एफआर की वैल्यू आ गई आपकी 1800 एंड एक्सियल लोड ऑफ 455 न्यूटन, ये आ गया 455 न्यूटन एट 6% प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब इसमें जो एक परसेंटेज दिया है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, लेकिन जब हम इक्वेशन में डालते हैं वो रिलायबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल होती है, या रिलायबिलिटी ऑफ सर्वाइवल होती है। इसका मतलब जो आपको दिया है कि 6% बेयरिंग्स फेल हो जाएंगे, है ना, या खत्म हो जाएंगे, तो हमको वो चाहिए कि जो सर्वाइव करते हैं। तो सर्वाइव करने के लिए हमको जो आपके आर की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 100 - 6 = ये मिल जाएगा 94%, मतलब हम आर की वैल्यू को लेके चलेंगे 0.94। एक आपको एक रिलायबिलिटी मिली हुई है 0.94, है ना, ये प्रोबेबिलिटी ध्यान रखेंगे, ये आपको दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। तो आर की वैल्यू आप 0.94 ऐसा करके रखेंगे। द रिक्वायर्ड लाइफ ऑफ बियरिंग इज 5000 आवर्स। अब यहां पर आपको आवर्स में भी एक लाइफ दी हुई है जो है 5000, जिसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा MR में, तो आपको L की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब आपके पास L है, आपके पास R है, है ना। एट 1000 RPM स्पीड आपको मिला हुआ है 1000 RPM एंड द डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज 40 mm, D = 40, एज्यूम सर्विस फैक्टर ऑफ 1.4, यहां पर लोड फैक्टर भी दिया हुआ है 1.4, और स्टार्टिंग लाइन आपको दिख रही होगी, ए सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग इज टू बी सेलेक्टेड, मतलब यहां पर आपको बेयरिंग सेलेक्ट करना है। तो हम देख रहे होंगे कि हमने अभी तक देखा है कि बेयरिंग सेलेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले इक्वेशंस पकड़ लीजिए, है ना, बेयरिंग सेलेक्ट करने के लिए आपको सी पता होना चाहिए किसी बेयरिंग का, इसके बेसिस पे आप बेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला होता है P L10 raised to 1/3। अब आपके पास रेडियल लोड है, एक्सियल लोड है,
आप ये पी की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं, आपको चाहिए रहेगा एल टेन, जो इक्वेशन वो आ गया, जो एल अपॉन एल टेन वाला इक्वेशन था लॉग वाला, वहां मतलब सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा और उससे आपको एल टेन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उस एल टेन को आप यहां पुटअप करेंगे तो आपको सी मिलेगा और इस सी को देखते हुए और डायमीटर के साथ रिलेट करते हुए हम कोई बियरिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी को सॉल्व किया हुआ है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे लाइफ फॉर 90% बियरिंग्स, मतलब L10 की वैल्यू। सबसे पहला स्टेप आपका बनेगा कि आपको L10 निकालना है, वो इक्वेशन यूज करके L अपॉन L10 इक्वल टू लॉग E1 अपॉन R, लॉग E1 अपॉन R90 रेज टू 1 अपॉन 1.17। अब यहां पर आप देख रहे हो कि L को आवर्स को चेंज करेंगे आप RPM का यूज करते हुए, तो L आ रहा है आपका 300 MR, आर आपको मिल गया है 0.94, आर 90 आपका होता है 0.9। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपका निकल के आ रहा है एल टेन की वैल्यू, मतलब 90% बेरिंग्स का लाइफ आ रहा है 472.82 MR। अब आपके पास एल टेन है तो इसका मतलब आपको बस सिर्फ पी ढूंढना है, तो आपका डायनेमिक लोड कैपेसिटी मिल जाएगा। मतलब हम इसको स्टेप डाल सकते हैं, डायनेमिक लोड कैपेसिटी एंड सिलेक्शन ऑफ बियरिंग, है ना, इस तरीके से हम डालेंगे तो आपका ये पी की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको जानते हैं कि पी होता है हमेशा, यहाँ पर कोई साइक्लिक लोड का इक्वेशन नहीं है, तो एक्स एफ आर प्लस वाई एफ ए, और अगर इसमें सर्विस फैक्टर दिया हुआ है तो वो भी मल्टीप्लाइड होता है एस से। अब हम फिर से देख रहे हैं, पी निकालना है तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, है ना, जिस तरीके से अभी देख रहे हैं यहां पर आपको बियरिंग में कहीं पर भी स्टैटिक कैपेसिटी नहीं दिया हुआ है आपकी बार, है ना, बियरिंग की कोई स्टैटिक कैपेसिटी हमको मालूम नहीं है। और जब स्टैटिक कैपेसिटी मालूम नहीं रहता है और रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों आ रहा होता है तो हमको एक्स और वाई को एज्यूम करना पड़ता है, ये लेते हुए कि एज्यूमिंग डेट एफ ए अपॉन एफ आर इज ग्रेटर देन ई, सबसे पहला चीज ये एज्यूम करते हैं कि एफ ए बाई एफ आर इज ग्रेटर देन ई, फॉर विच एक्स इक्वल्स टू 0.56, एंड हम इसको भी एज्यूम करते हैं लेट वाई इक्वल्स टू 1.5। तो एक्स आपका 0.56, एफ आर आपका 1800, वाई है 1.5, एफ ए है 455 और लोड फैक्टर एस है आपका 1.4। इसको आप डालेंगे तो आपको फाइनल जो पी की वैल्यू मिलेगी, एक अप्रोक्सीमेट पी, ये मिल जाएगा आपका 2366.7। जैसी इस पी को और इस एल टेन को आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको एक डायनामिक कैपेसिटी आपको मिलेगा जो कि आ रहा है 18437.77 न्यूटन, और इसी को देखते हुए हम बेरिंग को सेलेक्ट करते हैं और ऐसा बेरिंग चूज करते हैं जिसका डायमीटर 40 एम्पियर है और जिसका डायनामिक कैपेसिटी इससे ज्यादा रहे, 18,000 से ज्यादा रहे। तो अगर आप डाटा बुक को देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बियरिंग नंबर 6208, ये बियरिंग सिलेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो डायनामिक कैपेसिटी वहां डाटा बुक में दिया है वो है 30,700, और साथ ही साथ हम इसका स्टैटिक कैपेसिटी भी नोट करते हैं क्योंकि इसको हम जरूरत पड़ेगी अब इसका डिजाइन को चेक करने के लिए और एग्जैक्ट एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जो कि आपको दिया हुआ है और डाटा बुक में 16,600। अब तीसरा स्टेप हमारा आ जाता है चेकिंग द डिजाइन, डिजाइन चेक करने के लिए अब की बार हमको एग्जैक्ट एक्स और वाई चाहिए और ये चेक करना है कि हमने जो एज्यूम किया था एफ ए वाई एफ आर ग्रेटर देन ई है कि नहीं। तो उसके लिए आपको मालूम है हमेशा आपको चाहिए रहता है एफ ए बाई सी नॉट, अब की बार आपके पास सी नॉट है तो एक्सियल लोड बाई सी नॉट, मतलब 455 बाई 16,600 आप करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 0.027। और इसके लिए अगर E की वैल्यू देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एफ ए बाई सी नॉट के कॉलम से देखेंगे तो ये वैल्यू इनके बीच लाई कर रही है तो E भी आपका आएगा 0.22 से लेकर 0.24 के बीच में। अब हमको चाहिए एफ ए बाई एफ आर एक्सेल लोड बाई रेडियल लोड 455 डिवाइड बाई 1800, तो ये आपका आ रहा है 0.253। तो
दिख रहा होगा, इसको कंपेयर करेंगे ई की वैल्यू 0.22 से 0.24 के बीच में आने वाली थी, मतलब 0.23 हो सकता था ये, है ना, या 0.24 होता, लेकिन यहाँ पर ये 0.25 आया है, मतलब आपको ये मिल रहा है ग्रेटर देन ई। और जब ग्रेटर देन ई हो जाता है तो एक्स हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है 0.56, लेकिन अब की बार एफ ए बाई सी नॉट जिसके बीच में आ रहा है उनके बीच में इंटरपोलेट करके आपको एग्जैक्ट कैपिटल वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि आ रही है आपकी बार 1.97। और ये दोनों इक्वेशन को फिर से आपको इसमें पुट अप करना है तो आपको अब एग्जैक्ट पी आपका मिलेगा 2666.09। और इसको पुट अप करते हुए फिर से आप अपना सी कैलकुलेट करेंगे, डायनामिक कैपेसिटी, जो कि मिलेगा 20,770.17 न्यूटन। और आप देख रहे होंगे कि अब ये जो एग्जैक्ट एक्स और वाई को यूज करके डायनामिक कैपेसिटी निकली है, ये अभी भी आपके बियरिंग की कैपेसिटी 30,700 से कम है। इसका मतलब हम इसको यहां पर ऐसा लिखते हैं कि सिंस सी ऑफ बियरिंग दैट इज 30,700 इज ग्रेटर देन सी कैलकुलेटेड दैट इज 20,770.17, सेलेक्टेड बियरिंग नंबर 6208 इज सूटेबल फॉर अवर एप्लीकेशन। आपके बियरिंग में इतना ही लोड आ रहा है और आपके बियरिंग की कैपेसिटी ज्यादा है अभी भी, तो हम ये बियरिंग यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही चीज यहां पर दिखाई गई और इसको इक्वेशन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक लास्ट हम क्वेश्चन करेंगे, आपकी बुक का अनसॉल्व्ड है, इसमें एक छोटा सा एक नया डाटा और यूज कर किया हुआ है ना, और ये छोटा सा एक इक्वेशन है, पर आप समझने के लिए इसको देख लीजिए। अनसॉल्व्ड में इक्वेशन न्यूमेरिकल 15.6 दिया हुआ है। ए बॉल बेयरिंग इज सब्जेक्टेड टू हैव रेडियल लोड ऑफ 3000 न्यूटन। आपको रेडियल लोड मिला हुआ है, इज हैविंग ए लाइफ ऑफ 10,000 आवर्स एट 720 RPM। इसमें फिर आपको LH मिला हुआ है जो कि है 10,000 और RPM है 720 विथ रिलायबिलिटी ऑफ 95%। इसमें R की वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 0.95। इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग L पे आपको LH को कन्वर्ट करेंगे MR में, तो आपको L भी पता रहेगा और आपको R भी पता रहेगा, है ना। कैलकुलेट द डायनामिक लोड कैपेसिटी बेस्ड ऑन 90% लायबिलिटी। सबसे पहली चीज, तो ये दो पार्ट में क्वेश्चन है, आपको डायनामिक लोड कैपेसिटी सी का वैल्यू निकालना है। तो अगर ये आप देखेंगे तो ये सी की वैल्यू का एक इक्वेशन बनता है पी एल 10^1/3। इसको सॉल्व करना, ये सी के लिए आपको पी और एल 10 चाहिए, है ना। एल 10 की वैल्यू आप देख रहे हैं यहां पर दो डाटा मिला हुआ है, LH और R, तो सबसे पहले आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। वहां से आप सबसे पहले LH को L में कन्वर्ट करिए, 10,000 आवर्स को आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है 432 MR। फिर आपके पास एक क्वेश्चन है, L अपॉन L 10 इक्वल्स टू 1/R 1/0.9^1/1.17। यहां पर L आपका आ जाएगा 432, आज जो आपको दिया हुआ है 0.95, इसको सॉल्व करेंगे तो 90% बेयरिंग्स का लाइफ आपको मिल जाएगा, जो कि निकल के आ रहा है 799.24 MR। अब आपको पी की जरूरत है और आप देख रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ रेडियल लोड मिला हुआ है, और हम जानते हैं कि जब किसी एक लोड मिस हो जाता है तो आपका पी वही लोड बनता है जो आपको गिवन है। तो पी है, इस केस में पी इक्वल्स टू एफ आर बनेगा 3000 न्यूटन, और ये दोनों वैल्यूज को आप डालेंगे तो आपका डायनेमिक लोड कैपेसिटी बेस्ड ऑन 90% लायबिलिटी निकल के आएगा 2784.71 न्यूटन। तो ये आपका ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट के लिए आप क्वेश्चन में जाएंगे तो देखेंगे, इफ देयर आर फोर सच बियरिंग्स Each with a liability of 95% in a system, what is the liability of complete system? वो बोल रहा है कि ये जो bearing लगा हुआ है जिसकी एक की reliability आपको दिया हुआ है 0.95, और अगर उस पूरे shaft में या पूरे system में ऐसे चार bearing identical bearings लगे हुए हैं जिनमें हर एक की reliability 0.95% है, तो पूरे system की reliability कितनी आएगी? तो इसके लिए आपको एक छोटा सा equation दिया हुआ है पेज 15.3 में आपके डाटा बुक में, है ना, आर एस करके लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, और इसके बाद होता है कि आर जो कि इंडिविजुअल बियरिंग का रिलायबिलिटी है इनटू यहां पर लिखा हुआ है कैपिटल एन, दैट इज उसके जैसे आइडेंटिकल नंबर ऑफ बियरिंग्स हैं। तो यहां पर ये आर की वैल्यू है आपके पास 0.95, और ये एन की वैल्यू आपको दिया हुआ है
4 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो कंप्लीट सिस्टम की रिलायबिलिटी आपकी आएगी परसेंट में 81.45%। तो इस तरीके से एक लास्ट छोटा सा इक्वेशन और इस न्यूमेरिकल में यूज हुआ है जिसको मैंने बता दिया आपको, और इससे रिलेटेड सेम इसी का रिवर्स करते हुए एक लास्ट न्यूमेरिकल आपके उसमें दिया हुआ है आंसर 15.7, आप उसको चेकआउट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका रोलिंग कॉन्टेंट पेयरिंग और इससे रिलेटेड जितने भी टिपिकल प्रॉब्लम्स है वो सब आपके यहाँ पर डिस्कशन खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, ठीक। थैंक यू।